नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। लांजी क्षेत्र में अचानक मौसम बदला और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। इस दौरान तेज गड़गड़ाहट के साथ यहां आकाशीय बिजली एवं ओले गिरने से किसानों की फसल का नुकसान हुआ है। किसानों के चेहरे में मायूसी छाई हुई है। किसानों ने शासन से मांग की है कि उचित मुआवजे की मांग की है एवं जल्द से जल्द सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा देने की बात किसानों ने की है। क्या नाम लिखते हैं आप? मनोज सूर्यवंशी। खेती है आपकी? 4 एकड़ है। पूरे में रबी लगा हुआ था? हाँ, पूरे में रबी लगा, पीछे भी है उधर, बस वही यही कंडीशन है। तो हाँ। क्या क्या चाहते हैं आप? मुआवजा हुआ? मुआवजा मिलना चाहिए ना सरकार से। अब देखो ना, खेती आप तो देख रहे हो, आपको तो दिख रहा है। अब सरकार मुआवजा देगी तो किसान फिर क्या होगा? ओले गिरे, बारिश आई। नाम क्या लिखते हैं? मनोज कुमार सूर्यवंशी। क्या है आपको? पानी की आवश्यकता नहीं? पानी की आवश्यकता तो नहीं है, पर देखो ना नहर कितना बह रहा है, वेस्टेज पानी जा रहा है, खेतों में घुस रहा है पानी। तो नहर भी बंद करने की? नहर तो बंद होना चाहिए, लेकिन अब देखो ना फसल कैसी खराब हुई है। तो आपके यहाँ कितने खेती है? यहाँ 1.5 एकड़। लगभग कितने का नुकसान हो गया आपका? नुकसान का तो कैसा गिनती आकलन कर ले। शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? मुआवजे चाहते हैं। लगभग आपकी इधर कितनी खेती है? ये इसीलिए की रोड तक 1.5 एकड़। शासन प्रशासन से आप चाहते हैं कि उचित मुआवजा मिले? मिले जल्द से जल्द। इसके पहले भी जैसे आया था, तो इसके पहले पटवारियों द्वारा क्या नहीं? कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी राशि? नहीं। प्रधानमंत्री? नहीं, कुछ नहीं। आगे आप क्या चाहते हैं? और क्या अभी तक कोई पटवारी वटवारी यहाँ आके किए गए? नहीं, कोई पटवारी अभी। ये सर दूसरा पानी है, पहले पानी में भी कुछ नहीं हुआ और ये दूसरा भी मौसम ऐसा हो गया, तो इसमें कोई आए नहीं है। कारण क्या है इसका? सूचना दिए थे क्या? सूचना तो सबको, सूचना देने की जरूरत ही नहीं ना सर। ये तो बारिश ही हो रही है, तो सूचना देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना। ये तो उनका काम है कि आकर के किसानों के हित में बात करना, आकर के थोड़ा सा जनप्रतिनिधियों से, गांव के सरपंच से बात करना कि आपके यहाँ के किसानों का क्या हाल है, क्या नहीं है। मिला के मायूस हो, ऐसा कहने का मतलब मौसम की मार तो पड़ रही है, लेकिन शासन प्रशासन से आपको मार पड़ रही है? सुविधा नहीं मिल? नहीं, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है यहाँ? कोई प्रकार की सुविधा नहीं है, कोई आके नहीं देख रहा है यहाँ? सुविधा है की मुख्य नहीं देख रहे क्या यहाँ? कम से कम सर इस एरिया में कम से कम 50 से 100 एकड़ इस एरिया की बात कर रहा हूँ। 100 एकड़ यहाँ तो पूरा ये वाला एरिया, उधर की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ये वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। तो इस एरिया में कम से कम 50 से 100 एकड़ की भूमि है जिसमें रबी लगी हुई है, इसमें आधा नुकसान तो हो ही गया पूरा। और उस साइड में जो है, उस साइड में और खेती है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इधर इससे उधर ज्यादा है। लोकेश माड़ा में कल जो आना, जो ऊपर वाला जो नाराज हुआ, प्रकृति ने जो अपना उलटफेर की, उसमें आपके गांव में विभिन्न किसानों के अनोखे तरीके से नुकसान हुए, उनसे क्या चाहते हैं आप कि मुआवजा मिले, या किस तरीके से नुकसान हुआ है आपके गाँव में? नहीं, इसका जो है, इसका तहसीलदार महोदय के माध्यम से इसका सर्वे होना चाहिए कि किन किन किसानों का नुकसान हुआ है। वैसे फसल तो बहुत बर्बाद हुई है लोगों की, किसानों की बहुत क्षति हुई है, तो उसका मुआवजा निश्चित मिलना चाहिए। तो लगभग आपके नॉलेज में ऐसे कितने किसानों हैं लगभग जिनका नुकसान हुआ है? लगभग ऐसे 50 किसान होंगे जिनका नुकसान हुआ है, रबी की फसल नुकसान हो गई। लांजी से खबर समय जगत के रुपेश श्रावते की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।